तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल बेताल पच्चीसी की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है असली वर कौन। तो दोस्तों, चलो कहानी आगे शुरू करते हैं। तो कई बार बेताल को अपने साथ ले जाने की असफल कोशिश होने के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास पहुंचे और बेताल को अपनी पीठ पर लटकाकर ले जाने लगे। अपनी शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सदियों पुरानी बात है, उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत पराक्रमी था और दयालु भी था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी। महादेवी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आने लगे, लेकिन राजा को कोई वर पसंद नहीं आ रहा था। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला वर हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा महाबल को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तभी वहां एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूं राजन। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जिसमें सभी गुण हों। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है राजन जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन यहाँ महल में विश्राम करो, मैं राजकुमारी से पूछकर जवाब देता हूँ। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहाँ पहुँचा। उसने कहा, हे राजा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने भी उसे इंतजार करने को कहा। फिर कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उसकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं, मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं इस दुनिया में। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें महल में, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। अब राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार बहुत गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी का विवाह नहीं कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों युवक एक जगह इकट्ठा हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ अभी लेकर आता हूँ और हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चलते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने अपनी वीरता का परिचय दिखाते हुए उसका वध कर डाला और राजकुमारी को राक्षस के चंगुल से बचाकर महल ले आए। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि हे राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था, तो अब तुम यह बताओ कि राजकुमारी की विवाह तीनों में से किसके साथ होना चाहिए। राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय की बात करता है, जल्दी उत्तर दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया था और बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी मदद की थी। बस फिर क्या था, जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल विक्रमादित्य की पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बेताल पिचिसी की कहानियाँ हम क्रमशः इस चैनल पर लगातार ला रहे हैं, तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।